हो आज ओढ़ी हो बेटा बाप के संग में रही हो। लाला यहीं पर खेलना खुदना अपने पिता के पास में रहना लाला। खिलियो खाइयो मौज उड़ाइयो बेटा बाप के संग में रहियो। लाला आज बोलिए भैया अरे मन अपने में जनियो ले लाला। अरे मर गई मात तुम्हारी रे। लाला ये समझ लेना तुम्हारी भैया मर चुकी है संसार में नहीं है। अरे खिलियो कहियो मौजी हो रही हो बेटा बाप के संग में रही हो। आज इसी समय जैसे का है लाला कहने लगा माँ मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकता हूँ। ब्राह्मण देव ने देखा है एक मैया के बगैर पुत्र कैसे रह सकता है, एक पुत्र के बगैर एक मैया कैसे रह सकती है। आज इसी समय जवाब किया इस बच्चे का मोल क्या है 20 भार। आज वो भी अदा किया। आज रोहित को लेकर के ब्राह्मण देव तक चले जाते हैं और रोहित के लिए काम लगा दिया कि बाग में जाकर के पुष्प लेकर के तोड़ करके लाओगे और मैया को लगा दिया गंगा से घड़ा भर के लाओगे और भोजन पकाओगे। हरे चंद सुबह से शाम का वक्त हो गया लेकिन कोई खरीदने के लिए नहीं आया। जब शाम सूर्यास्त होने वाले थे सो ढलने वाले थे उसी समय एक कालू नाम का मेहतर आया। एक कालू नाम का मेहतर कौन था? ये साक्षात धर्म थे। धर्म आज इसी समय आया जो कालू नाम का मेहतर बन के क्यों ये बिचने के लिए है। हाँ इनका मोल क्या है? बोले तुम्हारे काम का हो तो खरीद लो। बोले काम तो कुछ ना कुछ करेंगे जब ले जाएंगे। क्यों एक बात बताओ तुम झाड़ू पोछा लगा लेते हो कुछ कर लेते हो? कर ले तो हम बहुत अच्छा कर ले। सफाई कर लेंगे। भक्तो आज इसी समय जवाब दिया है जो आप करवाएंगे वो हम करेंगे क्योंकि मजबूरी ऐसी होती है जो इंसान में कुछ भी करवाओ तो करने के लिए तैयार हो जाता है। आप जो करवाएंगे वही मैं करेंगे। चलो कोई बात नहीं 20 बार सोना देने के बाद लेकर के चले हैं और जब वो चले हैं तो जवाब दिया है कि गंगा से घड़ा जल भर के लाओगे यहाँ दिखोगे और खाने का प्रबंध ये है। खाने का प्रबंध सामने दुकान है वहां से भोजन की सामग्री लोगे अपने हाथों से बनाओगे और खाओगे। ठीक है। हाँ अब काम दे दिया गंगा से घड़ा भर के लाते हैं। अब जैसे ही शाम हुई है तो भोजन बना के जैसे ही खाने के लिए बैठे लेकिन विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र ने भिक्षुक का रूप धारण किया। अरे 10 दिन हो गए मुझे भोजन नहीं मिला कोई भोजन दे दे। हरिश्चंद्र ने कहा मुझे तो पहला दिन हुआ है लेकिन इस बेचारे को 10 दिन हो गए हम नहीं खाएंगे लेकिन खिला देंगे। खिला दिया। दूसरे दिन बैठे फिर से आ गए। तीसरे दिन इस प्रकार से धीरे धीरे एक नहीं बल्कि 7 दिन तक बनाते हैं जो ही खाने के लिए बैठते हैं विश्वामित्र आ जाते खा जाते। महाराज हरिश्चंद्र ने भोजन का सामान लेना बंद कर दिया क्योंकि ये भी ऋण मेरे ऊपर हो रहा है। सामान लेना बंद कर दिया वो ओके है। इधर घड़ा उठाया इतने कमजोर हो गए
क्योंकि धीरे धीरे 36 दिन हो गए अन्न ग्रहण नहीं किया और घड़ा उठा करके गंगा पे जैसी भरने के लिए चले हैं, लेकिन नहीं उठता है, जोर लगाते नहीं उठता, कमजोरी का शरीर है। उसी समय तारा आ गई, जैसे ही तारा को देखा विचार किया कि तारा जरा सा सारा लगवाएगी हमारा घड़ा उठ जाएगा, और जैसे ही तारा को देखो सोई महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा को देख करके एक बात बोले, क्या बोले,